अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी, हमने सोचा जो ईद की शॉपिंग और ईद का घूमना फिरना था वो सच ही किया जाए। ईद सर पर है, यहाँ पर हम आज आए हैं यहाँ रियाज एवेन्यू मॉल में, जो कि पाकिस्तानी और इंडियंस में ज़्यादातर सिर्फ लुलू के नाम से मशहूर है। जी, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लुलू का डिपार्टमेंट स्टोर है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी ग्रॉसरी शॉप्स भी हैं, हाइपर मार्केट बोल सकते हैं आप। और इट्स अ मॉल, जैसे मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं, और स्पेशली गोल्ड की एंड डिफरेंट अदर ब्रांड्स। और इन्होंने ये ईद के मौके पर काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, हमने सोचा हम आपको दिखाएँ और अपने साथ इसकी सैर करवाएँ। तो चलें जी, देखते हैं, घूमते फिरते हैं और आपको कुछ अपनी शॉपिंग भी दिखाते हैं। ईद की ग्रॉसरी के बाद हम डिपार्टमेंट स्टोर में आ गए हैं। यहाँ पर टॉयज़ और बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के, सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स थी। और अगर आप रियाज में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें, इनकी ऑफ़र्स के से खूब फ़ायदा उठाएं, और अच्छा मौका है ये सब जो है आप प्रॉफिट अवेल करने का, मतलब बाय टू गेट वन फ्री, समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी प्राइसेस जो हैं वो उन्होंने बिकॉज ऑफ सेल जो हैं वो कम कर दी थी। और ये जी, हम बच्चों की तरफ सबसे पहले आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों वाले सबसे पहले बच्चों वाले सेक्शन में ही जाते हैं, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढ सकें, साथ आपको भी दिखा सकें। और ये गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों के लिए, एंड दिस इज़ द बॉयज सेक्शन, और दूसरी साइड पर गर्ल्स सेक्शन होगा। हम अमल के लिए कुछ देखते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आप आराम से शॉपिंग कर लें और बच्चे टॉयज़ देख लें और आपको शॉपिंग करने दे दें? जी, तो यहाँ पर हमारे बच्चों ने टॉयज़ देख लिए थे, और इन्होंने टॉयज़ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई थी और स्टिल हैं। अगर आप विज़िट करें तो आप इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। कम प्राइज़ में जो है इनकी टॉयज़ जो थी वो हाफ़ प्राइज़ में जो है वो अवेलेबल है बच्चों के लिए। और अमल के लिए मुझे चेयर टेबल चाहिए थी, मैंने यहाँ से बाई की है, और कुछ इसके लिए टॉयज़ यहाँ से हमने लिए हैं। टॉकिंग टॉम का उसको बहुत शौक था, तो मुझे यहाँ वो नहीं मिल रहा था, लेकिन एंड में मुझे मिल गया था। और यहाँ पर हम हैं बच्चों के सेक्शन पे, लड़कियों के सेक्शन पे आ गए हैं बच्चियों की तरफ, और यहाँ पर कुछ फ्रॉक्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं अमल के लिए कोई फ़्रॉक्स चूज़ करूँगी, साइज़ देखूँगी और फिर अपने लिए कुछ देखते हैं। वैसे भी ये बहुत मसला हो जाता है कि आपको अपने लिए कहीं और से चूज़ करना पड़ता है, हस्बैंड को कहीं और से लेना है, बच्चों के लिए कहीं और से लेना है, लेकिन मुझे इस दफ़ा जब मैंने लुलू का विज़िट किया, वैसे तो हर ईद पे यही हमारा झंझट चल रहा होता है, और आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों का यही झंझट होता है, लेकिन जब इस दफ़ा मैंने यहाँ विज़िट किया और काफ़ी चीज़ों को डिस्कवर किया, तो मुझे लगा कि इट्स अ गुड प्लेस। अगर आप फैमिली के लिए आप वहाँ से जाएँ और लें, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। ये देखें जी, पाकिस्तानी सूट, ये बिन सईद के इन्होंने सूट्स जो हैं वो हारा के बाद यहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में इन्होंने लगाए हुए थे, जिस पर ऑफ़र भी थी बाय टू गेट वन फ्री, जिससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। और नो डाउट स्टफ़ बहुत अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड आपको पता है यहाँ पर बहुत कम हमें इजीली मिलता है, तो यहाँ पर था और बहुत अच्छी प्राइसेस में था, ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ अबायाज़ हैं जिनके कुछ के स्टाइल्स बहुत मुझे पसंद आए थे,
पर मेरा भाई अभी नहीं था इसलिए मैंने इसकी तरफ से जल्दी निकलने की थी जी। तो यहाँ पे आप प्राइजेस देख सकते हैं, शर्ट्स और स्कर्ट्स वगैरह, फ्रॉक्स, लॉन्ग मैक्सीज टाइप, सब कुछ आपको इजीली अच्छी प्राइस रेंज में जो है वो मिल जाएगा। मैक्सिमम 70, 80, 90 ये जो थी इनकी प्राइस रेंजेस थी। इंडियन कपड़े हैं इंडियन ब्रांड्स के, और इसके अलावा यहाँ पर साड़ीज़ वगैरह की काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है वो मौजूद है, क्योंकि लुलु जो है वो बेसिकली इंडियन मार्केट है और नोन एज अ इंडियन मार्केट, और बहुत कम ऐसा होता है कि आपको उसमें कुछ पाकिस्तानी स्टफ़ मिल जाए, लेकिन चूँकि हमारे जो पहनने की चीज़ें हैं, खाने पीने की, और ये सब काफ़ी मिलता जुलता है तो इजीली आप इसमें विल कर सकते हैं। ये सेकंड टाइम था कि यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड के जो है वो शर्ट्स, कमीज, शलवार वगैरह वो मिल रही थी, और जिसका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पर ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है इन स्टोर्स नॉट ऑनलाइन। तो ये जी बस आप मेरे साथ अब घूमे फिरे, हमने कुछ अपनी शॉपिंग की है और अब आपको दिखाते हैं जो रह गया है जी। अप्लाइंसेस की तरफ से भी हम आए हैं और मैंने सोचा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पर भी काफ़ी जो है ये देखें जी, यहाँ पर मैं ऑफ़र्स का दिखा रही हूँ कि इनकी जो ऑफ़र्स थी, ये प्रेशर कुकर्स वगैरह और ब्लेंडर्स, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर्स, टीवीज, और इन सब पे भी काफ़ी अच्छी इनकी ऑफ़र्स चल रही हैं। ज़रूर विज़िट करें और कुछ भरपूर फ़ायदा उठाएं इनकी ऑफ़र से, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। फिर कभी आपको शॉपिंग पे ले चलेंगे, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगा हमारे साथ शॉपिंग करना, और यहाँ पर बाहर जो है स्पार्कीज भी हैं बच्चों के लिए, अगर बच्चे बोर हो जाएं तो आप उनको भी थोड़ा एंटरटेन कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, हमें बहुत भूख लगी थी, यहाँ पर एलबी भी खुला हुआ था लेकिन उसके रश की तरफ हमारे जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, इसलिए हमने डोनट्स ली और सीधा घर के लिए। अल्लाह हाफिज़।